हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। अ मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफिस फेलो। अ मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज Sold off his buffaloes for 20,000 each. On one he made again 5% and on the other 10% find overall Find overall gain or loss. A milkman sold two of his buffalo. एक दूध वाले ने, milkman ने दो buffalo बेचा। Selling price आपकी मालूम है 20,000 rupees, प्रत्येक की selling price 20,000 थी, जिनमें उसे एक में 5% का gain हुआ, मतलब profit हुआ। एंड द अदर लॉस ऑफ 10% और एक में 10% का लॉस हुआ। तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, आपको पहले इन दोनों की कंडीशन में, गेन की कंडीशन में एंड लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस प्राप्त करना है। सॉरी, सेलिंग प्राइस तो आपको दिया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। सॉल्वेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्व इसमें करेंगे। अ मिल्क मैन सोल्ड इच बफेलो, लिखेंगे मिल्क मैन सोल्ड इच बफेलो कितने रुपए की बेच रहा है? 20,000 rupees। गेन उसे कितना हुआ? गेन हुआ 5%। लॉस कितना हुआ? 10%। अब टर्म ऑफ गेन, गेन के टर्म में, टर्म ऑफ गेन, अब गेन की कंडीशन पे देखते हैं। पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस आपकी है 20,000 इनटू 100 अपॉन 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 20,000 इनटू 100 अपॉन 105। इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 10, 5 1 5 5 4 20, 4000 इंटू 100 अपॉन 21। अब 4000 पे आप 21 का डिवाइड करिए, कितना मिलता है? 21 का 40 से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी डिवाइड हुआ, पहले 40 से करेंगे, 21 1 20, माइनस करने पर आपको मिलेगा 19, जीरो है, राइट कर देंगे 21 9 9 1 9 9 2 18। तो 10 में 9 माइनस हुआ तो 1, 8 में 8 माइनस हुआ तो 0 1। अब यहाँ पे 0 था तो आप इस टर्म में 0 लिख देंगे तो कितना आपको मिला? 10 मिला। अब ये 10 21 से डिविजिबल नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे? 21 0 0। अब इस 21 को आप डिवाइड करेंगे
तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 21 4 जो कितना होता है, 21 4 जो 84, अब 21 4 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 21 4 जा 84, 10 में 4 माइनस हुआ तो 6 आया, नाइन में 8 माइनस हुआ तो 1 आया, 160, 21 9 जा क्या आएगा आपका, 100, 21 7 जा 147, 10 में 3 7 माइनस 3 4 5 में 4 माइनस 1, 21 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 21 5 जा 105, माइनस कर देंगे 15 आ गया, फिर इसके बाद 7 कर देंगे 21 7 जा 147 3, मतलब ये टर्म बढ़ता जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 190.4757 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 119,047.57 रुपीज। ये आपको कॉस्ट यानी गेन की कंडीशन पे मिला। अब इसके बाद आप लॉस की कंडीशन पे निकालेंगे, लॉस कितना था, टर्म ऑफ लॉस 10%, तो लॉस की कंडीशन पे आपको निकलेगा टर्म ऑफ लॉस, लॉस की कंडीशन पे आपको मिलेगा सीपी इक्वल टू, फार्मूला तो आपको मालूम है यहाँ पे, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब एसपी कितना था, 20,000 इंटू 100 अपान 100 माइनस 10, 20,000 इंटू 100 अपान 90। अब जीरो से जीरो आपका कैंसल हुआ, अब 2000 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, 2 आया, 9 2 जा 18, 2 आया, 9 2 जा 18, 2 मिला, पॉइंट लगाएंगे, 9 2 जा 18, फिर आपका 2 आएगा, 9 2 जा 18, फिर आपका 2 आएगा, मतलब ये 2 2 आता ही चला जाएगा, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 2 2 2 2 into 100 कर दीजिए तो आपको क्या मिला, 22,222.22। अब इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हमें मिल गई है क्या, प्रॉफिट की कंडीशन पे भी मिल गई, लॉस की कंडीशन पे मिल गई। अब इसमें हम टोटल कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप बफैलो, टोटल कॉस्ट प्राइस आप बफैलो, तो प्रॉफिट की कंडीशन पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 19,047.57, और इसमें है 22,222.22, ऐड कर दीजिए, 7 to 9, 5 to 7, up to 7 9, 2 7 9, 4 to 6, 0 to 2, 9 to 11 का 1 21 3 1 4, 41,269। आपको टोटल सेलिंग प्राइस मालूम है, टोटल सेलिंग प्राइस आप कितना है बफेलो की,
एक 20,000 की थी, तो टू कितनी हो जाएगी बफेलो? तो 40,000 टोटल सेलिंग प्राइस है बफेलो, 40,000। तो आपको इस कंडीशन में देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। इस कंडीशन पे हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ देखेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आप इसको माइनस करेंगे तो 1,269.79, इसको हम क्या कहेंगे आंसर, क्या कहेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कंप्लीटेड। स्टूडेंट वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।